हमने स्मार्ट स्कूल जो यहाँ बनाया है, ये पूरा गाजीपुर का मिडिल स्कूल में पहला स्मार्ट स्कूल है। स्मार्ट स्कूल से मतलब ये है कि यहाँ पे हमने वाईफाई एनेबल्ड स्मार्ट टीवीज लगवाए हैं और कंप्यूटर लगवाए हैं। पहले को ऐसा करने का कारण पीछे ये है कि बच्चों को पता चले कि बच्चों को पहली बात को स्कूल में लाना बहुत ज़रूरी है। तो लाने के लिए उस एजुकेशन इंटरेस्टिंग बनाना पहला मोटो ये है। दूसरा कि पढ़ाई को वो कैसे समझें बेहतर तरीके से, अगर मास्टर नहीं भी है या मास्टर नहीं भी अगर ठीक से नहीं हो पा रहा है तो वो उस चीज़ को बच्चा खुद से समझ पाए और इंटरेस्टिंग तरीके से समझ पाए। सारा काम है, मतलब मेरी लोगों से दरख्वास्त है कि जैसे और भी मुझ जैसे पीएचडी स्कॉलर्स होंगे या कमाने वाले व्यक्ति होंगे, ये मेरा सारा खुद का पीएचडी स्कॉलरशिप से जो मेरा स्कॉलरशिप जो मुझे आईआईटी से मिलती है मैंने उससे किया है। इसके अब हमें ज़रूरत यह है कि ये एक हमने प्रयोगशाला बनाई है जिसमें हम आईआईटी और एम्स के बच्चे मिलके यहीं से बच्चों की एक ऐसी फौज पैदा करें आने वाले पाँच साल में कि जो अब्दुल कलाम और वर्तमान इस देश में हुआ है तो केवल सरकारी प्रयासों से नहीं हुआ। एक नौजवान जो आईआईटी दिल्ली का विद्यार्थी है प्रशांत पठान, उसने एक बहुत अच्छी पहल प्रारंभ की है और वास्तव में आप देखिए तो सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन का सबसे सशक्त माध्यम शिक्षा है। जो हम लोग पढ़ते थे मुझे लगता है कि उस समय में और आज में बड़ा भारी अंतर आ गया। अध्यापकों की कमी से स्कूल हों, कॉलेज हों या यूनिवर्सिटी हों, सभी जूझ रही हैं। वर्तमान सरकार ने इस दिशा में अनेक प्रयत्न किए हैं, अध्यापकों को विशेष रूप से प्रशिक्षित करने का अभियान चलाया जा रहा है। प्रदेश में भी अध्यापकों की भर्ती की प्रक्रिया शुरू हुई है, लेकिन जो वैधानिक प्रक्रिया उसमें काफ़ी समय लगता है। जो प्रबंध प्रशांत ने यहाँ किया है, मुझे लगता है कि जो बेस्ट एजुकेशनल कंटेंट है देश में वो यहाँ उपलब्ध होगा। अध्यापकों के प्रशिक्षित होने के बाद मैं कह सकता हूँ कि यहाँ जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो भी लाभान्वित होंगे और मुझे लगता है कि इससे शायद अगल बगल के लोगों को भी प्रेरणा मिलेगी। सामान्य रूप से मैंने खुद ये कोशिश की है अपने लोकसभा क्षेत्रों के जितने सरकारी हाई स्कूल और इंटर कॉलेज हैं, तो आप लोगों के ध्यान में है कि हमने हर जगह यही एजुकेशन का प्रबंध करा दिया है। जो प्राइमरी विद्यालय हैं सरकारी, उनको भी आधुनिक बनाने का एक कार्यक्रम शुरू किया है। देश के विकास में इंफ्रास्ट्रक्चर से ज़्यादा योगदान शिक्षा का है और मैं प्रशांत को धन्यवाद दूँ मुझे उचित नहीं लगता है, लेकिन बहुत ही सराहनीय पहल किया है प्रशांत ने और यह गांव ही नहीं, ये इलाका पूरा आभारी रहेगा इसका। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस विद्यालय के अलावा लाइब्रेरी भी मोहम्मदाबाद में चलाता है वो, और भी इस तरह की नई पहल प्रारंभ करेगा।